मुख्यमंत्री राजस्थान लोकप्रिय अशोक जी गहलोत साहब ने विशेष सलाहकार रूप में कैबिनेट मंत्री और दर्जो आपने पाड़े दियो रो ने आज आदरणीय नागर साहब ने हमारे साथ में विराजमान मालपुरा टॉपू हमारे बीच में पधारे वाला आदरणीय पूर्व प्रधान साहब राजेश जी नागौरा साहब हमारे साथ में विराजमान है। आप सब ने तो केवल वस्तु आया है आज के कि सिरोही जालौर में जितने अपने खनिक समाज का माता बहन भाई रेवे उन सभी वास्तु एक खाली मिलन समारोह वास्तु आज आपके बीच में आपका पधारी वाला है नागर साहब। अगर आज कांग्रेस पार्टी में ध्यान रहती है कि नागर साहब आ रही है तो शायद मोटी सभा लागोड़ी रहती है साहब अटे मंच माते भाषण देगा, लेकिन साहब नहीं तो कोई पत्रकारों ने बताइयो नहीं अपना प्रोटोकॉल को यूज कीजो नहीं वे करने बताइयो नहीं पार्टी का कोई पदाधिकारी ने बताइयो सब पहली मारी बात हुई जेतराम जी हूँ पची भाई चंद्र साहब बात हुई कि भाई नागर साहब सिरोही ने जालौर बे जिलों ने द्वारा माते आवे दिया है अनु मुख्य कारण है नागर साहब रे हृदय में खटिक समाज बसे हैं क्योंकि नागर साहब रे पाड़े जितने भी कोई समाज बंधु कियो रवे जति टाइम नागर साहब एमएलए रियोड़ा मंत्री रियोड़ा शायद ही यारो कोई राजस्थान में खटिक समाज का व्यक्ति वे जो वो कह सके कि नागर साहब को खुश नहीं है। पूरा राजस्थान में हमारे समाज में तो घना ही एमएलए रियोड़ा मंत्री रियोड़ा तो कई कामरा है लोग और के हैं कि नागर साहब की कई पहचान है ने लीडर ने धाक ने दबदबा हाथे काम करे नागर साहब ये हमारा खुद परिचय है कि विधानसभा वाला चुनाव लड़िया मुंडे में निर्दलीय में भी भारी बहुमत थी बीजेपी या उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी विशेष सलाहकार रूप में उन्होंने हाथ रखिया। आज अन्य वस्तु यह पदाधिकारी रहा है कि हमेशा अपने खटिक समाज में मानते शब्द मोटो आशीर्वाद कोई राखियो है तो अशोक गहलोत जी राखियो है। कोई भी काम वियो है कोई भी काम पड़ियो है खटिक समाज को चाहे छात्रावास से संबंधित हुए चाहे हतैले वस्तु हुए या कोई भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित हुए कोई भी काम काज हुए तो अशोक गहलोत जी हमेशा अपने समाज को हाथ दीदो है ने कदे भी खटिक समाज में दरकिनार नहीं किया। आज सिरोही जालौर जनता बीच में लोकसभा चुनाव आया है और लोकसभा चुनाव में आदरणीय अशोक गहलोत जी ने सुपुत्र वैभव जी गहलोत अटाती ऑपरेटर की प्रत्याशी भी है। आज अशोक गहलोत जी ने भी ध्यान कोनी कि नागर साहब इन्होंने सुपुत्र ने लोकसभा क्षेत्र में बैठे आयोड़ा है इन्होंने हृदय ने डिमांड थी मांग थी हृदय गवाही दिया तो जयपुर में बैठोड़ा काला एकदम याद आयो नागर साहब नागौरा साहब फोन की दो कि भाई मैं थारे सिरोही में जालौर में आ रहा हूँ मोने खुशी हुई कि भाई नागर साहब अपने घरे पधारे रही है ना पहला मौका हमारे ख्याल में तो ध्यान को नहीं।